पॉकीमॉन वर्ल्ड में टोटल 890 पॉकीमॉन्स है, पर आज हम लोग इतने सारे पॉकीमॉन्स में से 10 ऐसे पॉकीमॉन्स को सिलेक्ट करेंगे जो मोस्ट लव्ड हो, वो पॉकीमॉन्स जो स्टार्टिंग से अभी तक हमारे दिल में बसे हुए हो। आई नो कि सबके फेवरेट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर आपका मोस्ट लव्ड पॉकीमॉन इस लिस्ट में नहीं आया तो ऑफेंड मत होना, क्योंकि ये सिर्फ एक फैन लिस्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉकीमॉन जिसको मैंने इस लिस्ट में रखा है वो है नन अदर देन आवर पिकाचू। पॉकीमॉन एनिमे बिना पिकाचू के तो अधूरी सी है, और अगर तुम किसी भी पॉकीमॉन का नाम पूछोगे किसी से तो मोस्टली का फर्स्ट आंसर पिकाचू ही आएगा, और आए भी क्यों ना, क्योंकि पिकाचू मोस्ट लव पॉकीमॉन में से एक जो है ऑडियंस का, और अपना एक अलग ही नाता है पिकाचू से। सेकेंड पॉकीमॉन जो इस लिस्ट में है वो है लुकारियो। बेसिकली मुझे भी लुकारियो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसको लुकारियो अच्छा नहीं लगता होगा। इसकी स्ट्रेंथ के कारण हम लोग इसके काफ़ी क्लोज है। लुकारियो के ऑरा पावर्स को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, यही तो वो चीज़ है जो लुकारियो को बाकी पॉकीमॉन से अलग एंड बेटर बनाती है, एंड नो डाउट लुकारियो इस लिस्ट में होना तो डिजर्व करता ही है। थर्ड पॉकीमॉन जो इस लिस्ट में अपना जगह बनाता है एंड विच इज मोस्ट लव्ड बाय द फैंस इज चाइजार्ड। इसके पास क्या नहीं है, इट हैव टू मेगा इवोल्यूशन, एक्सक्लूसिव जी क्रिस्टल मूव एंड जिगेंटामैक्स फॉर्म, और ये सभी फॉर्म चाइजार्ड के पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग चाइजार्ड को पावरफुल देखना चाहते थे। आई नो ये थोड़ा अनफेयर है बाकी पॉकीमॉन के साथ, बट क्या करे, अपना चाइजार्ड इतना बिलव्ड पॉकीमॉन जो है, और बिना चाइजार्ड की तो ये लिस्ट बिल्कुल ही अधूरी रहती। फोर्थ पॉकीमॉन जो इस लिस्ट में है वो है ग्रेनिंजा। ये इतना फेमस सिर्फ और सिर्फ ऐश के ग्रेनिंजा का कारण ही हुआ है, और उसी कारण से मैं भी मजबूर हूँ इसको लिस्ट में ऐड करने के लिए। बट ट्रूली ऐश की तरह ये हम जैसे ऑडियंस के दिलों में भी बसा हुआ है, और अगर तुम कैलोस का कोई गेम खेल रहे हो तो ना चाहते हुए भी तुम ग्रेनिंजा का प्री इवोल्यूशन फ्रॉक की को ही पिक करोगे एज अ स्टार्टर, बिकॉज इट्स द वन दैट वी वांट। फिफ्थ पॉकीमॉन जो काफ़ी लव्ड है फैंस के द्वारा वो है सेप्टाइल, और शायद से आप लोगों का मोस्ट फेवरेट ग्रास टाइप पॉकीमॉन में से एक हो सकता है सेप्टाइल, एंड मेरा तो है, ट्रूली मेरा है सेप्टाइल मोस्ट फेवरेट ग्रास टाइप पॉकीमॉन में से एक। एनिमे में तो हम लोगों ने इसका पावर देखा ही है, एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद ड्रैगन टाइप इसको और थोड़ा ताकतवर एंड डेयरिंग बना देती है, बट इसकी पावर ही तो इसकी स्पेशलिटी है। और अगर हम लोग एनिमे की बात करें तो इसके एटीट्यूड तो मेरे लिए बेस्ट थिंग था एनिमे में। सिक्स पॉकीमॉन जो मोस्ट लव्ड पॉकीमॉन की लिस्ट में है वो है ईवी। आफ्टर पिकाचू ईवी ही पॉकीमॉन कंपनी की मास्कोट है, एंड हु डिडंट लाइक ईवी। ईवी क्यूट तो है ही, और साथ ही साथ उतना ही पावरफुल भी है ये। हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि ईवी 8 डिफरेंट पॉकीमॉन्स में इवॉल्व हो सकता है, और यही बात ईवी को स्पेशल बनाती है एंड फैंस का मोस्ट लव्ड पॉकीमॉन में से भी एक बनाती है यही बात ईवी को। और लेट्स गो ईवी मत भूलना, क्योंकि ईवी ऐसा पॉकीमॉन है जो ओरिजिनल स्टार्टर ना होके भी एक स्टार्टर पॉकीमॉन था। इस लिस्ट का सेवंथ पॉकीमॉन बल्बसौर है। एनिमे में बल्बसौर एक छुपा रुस्तम था जो देखते से तो लगता था कि कुछ नहीं कर पाएगा, बट इसने हमें हर बार गलत साबित किया है। बल्बसौर की क्यूटनेस भी एक अलग ही लेवल पे है, बट सिर्फ ये बात है कि बल्बसौर थोड़ा अंडररेटेड है। फिर भी बल्बसौर ने हम लोग के अंदर एक ऐसा स्पॉट गेन किया है जहाँ से हम लोग उसको कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। इस लिस्ट में 8 पॉकीमॉन है इन्फर्नीप एंड गेंगार। मैं इन दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर पाया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फर्नीप की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, एंड इन्फर्नीप तो ऑफकोर्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पॉकीमॉन में से एक है ही, बट गेंगार एक टिपिकल चॉइस थी बिकॉज गेंगार के पास हर वो चीज़ है जो अभी तक इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इंक्लूडिंग मेगा इवोल्यूशन, एक्सक्लूसिव जी क्रिस्टल मूव, जिगेंटा मैक्स फॉर्म, और गेंगार रियलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट आई डोंट नो कि आपको गेंगार पसंद है या नहीं, बट मुझे तो गेंगार काफ़ी पसंद है, एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको गेंगार कैसा लगता है। बट
यहाँ पे 8th पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ होती है इन्फिनीट एंड गेंगार के बीच में, बिकॉज दे बोथ आर मोस्ट लव्ड पोकेमोन। नाउ 9th पोकेमोन है रेक्वाजा। लेजेंडरी पोकेमोन्स में रेक्वाजा जैसी पॉपुलैरिटी एंड बिलवनेस बहुत ही कम ही पोकेमोन में होगी। रेक्वाजा अपने मेगा फॉर्म में तो और भी डोप लगता है। हम जैसे पोकेमोन फैंस का तो नो डाउट रेक्वाजा मोस्ट लव्ड पोकेमोन में से एक है ही। एंड ये एक ऐसा ट्रियो मास्टर भी है जिसने पोकेमोन वर्ल्ड की सबसे बड़ी लड़ाई को शांत किया है। रेक्वाजा से जुड़ी काफ़ी ऐसी चीज़ है जो इसको एक्सट्रीम बनाती है एंड मोस्ट लव्ड पोकेमोन भी बनाती है, वही सभी चीज़ें इसको। लास्ट पोकेमोन जानने से पहले मैं कुछ पोकेमोन्स को ऑनरेबल मेंशन देना चाहता हूँ, लाइक गर्डीव्यू, स्कोटो, स्नोलेक्स, आर्कनाइन, ड्रैगनाइट एंड गार्चॉम्प। ये सभी पोकेमोन्स भी वन ऑफ द लव्ड पोकेमोन में से एक है, बट इन्होंने अपनी जगह इस लिस्ट में नहीं बना पाया। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट 10th पोकेमोन है मियोटू। यप, एक टाइम में हम लोग सोचते थे मियोटू ऐसा तो कोई पोकेमोन है ही नहीं, और सच में मियोटू ने फैंस के दिलों पे अपना कब्जा किया हुआ है। मियोटू के पास बिल्कुल एंड लेवल की पावर्स है जो बहुत ही कम पोकेमोन्स में देखी गई है वैसी पावर्स। एज अ मियोटू फैन मेरे लिए स्टार्टिंग से अभी तक बेस्ट रहा है मियोटू। आई नो कि कुछ ऐसे पोकेमोन्स हैं जो मियोटू को डिफीट कर सकते हैं, लेकिन तब भी मियोटू के लिए एक अलग ही पोजीशन है जो कोई और पोकेमोन नहीं ले सकता है। तो ये थी लिस्ट 10 मोस्ट लव्ड पोकेमोन की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर मेरे चैनल पे नए आए हो देन बी श्योर टू सब्सक्राइब। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन दिस इज गैलेक्सी साइनिंग आउट।